छोटा माँ प्यो का है ना कि जो हुंदा हैगा जिहड़ा सब तो प्यारा हुंदा है, बाकी सारे प्यारे हुंदे बट एक बच्चा जरूर हुंदा प्यारा तो। नहीं वैसे तो आ ये है ना जिहड़ा ब्राइट ये सब तो प्यारा क्या बात ये सब तो प्यारा ये बहुत प्यार करता है समझदार है ये सारे तो तेज है तो बहुत तेज नहीं वाला अरे यहाँ पे तो सरप्राइज पहले से हमारा वेट कर रहा है। हेलो तो खेडना रिलैक्स कर देना हिपनोटाइज करता जिवें बच्चा थानू हिपनोटाइज कर लैंदा थोड़े जिहड़े बाकी दे विचार ने जिहड़े ओह रुक जांदे ने। ए यो व्हाट्सअप एवरीबॉडी काल चाल। तो आज आपको मैं लेकर चला हूँ परमेश्वर द्वार गुरुद्वारे। तो लास्ट व्लॉग में जब मैंने आपको एक समर्ड दिखा था तो बात की थी कि समर्ड और वहाँ पे जाकर और भी जितने एनिमल्स हैं उनके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। सो आज वहाँ के लिए निकल रहे हैं और जो है ये वीडियो सिर्फ एनिमल्स के लिए ही खास नहीं है, वहाँ पर जो है जिन शख्सियत से आपको मैं आज मिलवाऊंगा उनसे मिलने के लिए मैं भी बहुत टाइम से वेट कर रहा था। सो ज़्यादा समय लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। सो फिलहाल अभी जो है हम गुरुद्वारे के अंदर है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सारा का सारा जो है बाग है और मेरे साथ जो है अभी आपको मिलाता हूँ मैं अर्शदीप पाजी से, अमृत पाजी से, और आप तो इनसे पहले भी मुलाकात हो चुकी है आपकी, हमारे जसकिरत पाजी। तो पाजी सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा जो ये बाग है इसकी सोच कैसे कहाँ से शुरू हुई है ना, जो अपने भाई साहब रणजीत सिंह जी ने तो उन्होंने की सोच सी इस पूरे तो पूरे बाग पिछे थोड़ा थोड़ा दसोगे साड़ी ऑडियंस को। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਫਰੂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਵਧੀਆ, ਚੀਕੂ ਨੇਗੇ ਕਿੰਨੂ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਲਾਇਚੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲੱਗੇ ਆ ਅਤੇ ਅੰਬ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਮਰੂਦ ਆ। क्या बात है, क्या बात है। तो अभी मैं फिलहाल जो आपको अंदर लेकर चलता हूँ एक एक चीज़ आज इस बाग की कवर करेंगे। और सबसे खास बात जो मुझे लगी है जो यहाँ का एम्बियंस है वो तो इतना प्योर है ही है और साथ साथ जो है यहाँ पे डॉग्स हैं, तो जैसे कि आपको पता है जहाँ पे डॉग्स होते हैं हम कहीं ना कहीं से पहुँच ही जाते हैं जो है ना, ठीक है। तो अभी अभी अंदर चलते हैं आपको अरे एक जो है यहाँ के डॉग से मिलवाते हैं और एक एक आपको जो है फ्रूट का भी मैं पेड़ दिखाना चाहूँगा। तो चलिए भाई आप यहाँ पे अभी जो है मैं आपको यहाँ की बत्तखें दिखाता हूँ, थोड़ा सा पास जाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे सारे नीचे पानी पड़ा है। ओए हाँ जी हाँ क्या हाल है, गुस्सा आ गया तू ਕਿਤਾਂ ਜੀ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਬਰੀਡ ਹੈ, ਓਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰੇ ਹਾਉਂਡ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੀਡਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਬਰੀਡ ਹੈ ਤੇ ਵਾਓ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਛੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਥ ਹੀ ਸਾਥ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਰਾ ਬਾਗ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇਹਨੀ ਕੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਛੁਪਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆ ਰਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਰਿਜ ਬੈਕ ਹੈ ਦੋਨੋਂ। ਹੈਲੋ देखना हाइट देखना। अच्छा पाजी मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ यहाँ पे एक प्रॉपर एक पूरी पुराने टाइप की, जैसे हम बहुत बिल्कुल पीछे चले जाए पंजाब में वैसी खट बनाई हुई है, इसका क्या रीजन है? ये ब्रीडिंग वास्ते तैयार की थी सी। अच्छा दो तैयार की थी हुई है, और भी ने ब्रीडिंग वास्ते ही दो की थी, जिदा हुन आगे गर्मी होनी है वधिया ठंडियां रहनगी, क्या बात है, सर्दी हुंदी है उदों ही गर्म होगी, क्या बात है। आप दिखाते हैं हम एक बार अंदर चल के देखते हैं इनका, मतलब वो जो मिट्टी है वो बेसिकली टेम्परेचर मेंटेन करती है ऑटोमेटिकली। आप देख सकते हो हमारी साइंस जो है कितनी पुरानी है कि हमने पहले से ही एक ऑटोमेटिक एसी टाइप एक यू नो रूम टेम्परेचर को मेंटेन करने वाला रूम बना रखा था। सो अभी फिलहाल अंदर निकलते हैं। वाह अरे यहाँ पे तो सरप्राइज पहले से ही हमारा वेट कर रहा है। हेलो आप देख सकते हैं सिमोइड की फीमेल है। हेलो देखो उसके पप्पी भी हैं सिमोइड, कितने पाजी पप्पी दिए हैं? तीन पप्पी हैं और मेल फीमेल मतलब तीनों दो मेल है एक फीमेल, क्या बात है। देख सकते हो और कितनी प्यारी फीमेल है यार ये सिमोइड की। हेलो मेरे को हाथ लगा लो काटे के तो नहीं, नहीं, पक्का भाई? हाँ जी हाँ जी ठीक है, थोड़े कहन ते ला रहे हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं। मेरा भी था, क्या नाम है इसका भाजी? इसका नाम होप। होप क्या बात है, होप कितनी प्यारी है बहुत ज्यादा, और इसके पपीज हैं। अभी पपीज मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ इसके। भाजी अगर मैं इसकी टेम्परेचर मेंटेनेंस की बात करूँ यहाँ पे देख सकते हैं आपने लकड़ी जो है ये भाजी ये होता है ना जो उसमें से निकल के आता है नहर के बीच में से, राइट, ये वहां से निकल के आता है और ये सारा मिट्टी है भाजी, ये मिट्टी क्या बात है। तो यार ये चीज भी बहुत ज्यादा इनोवेटिव है। अगर मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि कोई ब्रीडिंग
किसी का बजट अच्छा है, अगर ब्रीडिंग सेटअप उसने बनाना है तो कुछ इस तरीके का जरूर अपनी ब्रीडिंग सेटअप के अंदर ऐड करे। और तुसी जेड़ी वो गल कही ना जी उत्ते भी तुसी डॉग रखो ते रखो फैमिली मैंबर बना के, वो चीज़ ना मतलब मैं भी यही चाहूँगा भी जेड़ी मेरी छोटी जी ऑडियंस है तुसी उन्होंने भी कहो कि पता थोड़े कहने नाल उन्हां दे यू नो उन्हां दे कुछ समझ आ जाए उन्होंने कि क्योंकि लोग डॉग ले लेंगे हैं तो उस बाद देखभाल नहीं करते है ना पूरी जिंदगी वो बेचारी की जीवन जोड़ा है वो है ना व्यर्थ हो जाता वो रस्सियां नाल उन्हें बंद के रखते हैं छोटे छोटे कमरों से रखते हैं मारते हैं कहीं तो है ना उन्होंने सिर्फ बच्चों लिए है ना ब्रीडिंग मशीन बनाई हुई है भी उन्होंने तो बस बच्चे ले जाइए है ना बस बच्चों का काम है बेच के उन्होंने रोटी खाई जाइए। मैं तो जो हम दो बच्चे तरस आ ना कहीं देख के बेचारे ने तो बच्चों के मतलब 3 महीने 6 महीने 4 महीने वो ही लंघ जाते बच्चों की केयर करते हैं तो उदा वो किन्ने प्यारे ने जिदा डॉग का तो जी शुरू तो ही पूरी आप किसी भी ओदे च देख लिया ना किताब च देख लिया है ना उदे च डॉग का जो महत्व है एक जानवर का जो महत्व है इंसान के नाल नाल ही दिखाया है ना कि नाल ही चलता है। नहीं वो तो जोड़ा है गुरबाणी भी आता ना बी कुत्ता जोड़ा आ अपने मालिक को छड़ता नहीं वफादारी है ना वफादारी बुले शाह ने लिखा सी राती जागण भगत सतावण राती जागण कुत्ते तेथों उत्ते मालक दा दर कदे ना छड़ दे भावें बजन जुत्ते तेथों उत्ते रुखी मिस्सी खा के जा रूड़ी ते सुत्ते तेथों उत्ते उठ बुलिया उठ नाम त्याला नहीं तो बाजी लै गए कुत्ते तेथों उत्ते। क्या ते जेड़ी वो वीडियो आप देखी सी उहदे च डॉग केड़ा सी बाबा जी वो वाले च केड़ा अच्छा वो वाला अंदर फीमेल समझदार है एक बार समझा दिए ना हूँ तो ये बच्चे भी है वो फीमेल है वो भी बहुत बहुत प्यारी है ये बहुत प्यार है वीडियो ना हाँ ये बहुत प्यार ते बस तो तुहानू की लगता है जेडे यू नो डॉग्स अपने हैगे यू नो स्ट्रीट डॉग्स हैगे कई लोग यू नो होंदे भी नहीं अफोर्ड कर सकते ब्रीड इट्स नॉट इंपॉर्टेंट राइट कि ब्रीड आप लई है ना जरूरी तो आही है कि कोई भी जानवर होवे बेशक वो स्ट्रीट डॉग है सारी दी हेल्प करनी चाहिए दी। नहीं नाले जेड़ा डॉगी है ना जी कुत्ता तो जेड़ा इहदी नसल है जां इहदी फीलिंग है वो तो इक्को जी हुई है चाहे तो तुसी महंगा रख लो हाँ जी चाहे नॉर्मल ले आओ प्यार वो इक्को जिहा ही करदे प्यार तो उहनां दा ही हाँ जेड़ा है ये सब सारे ही प्यार करते हैं। पिछे जे कैनेडा के बंदे की वीडियो आई सी खबर आई सी न्यूज उन्हें स्ट्रीट डॉग जेडे सी इदा बच्चे 3-4 प्यार लग गया करन इन्ना प्यार पै गया हुण कैनेडा लेके गया पंजाब तो कैनेडा ले गया सारे ही चार पांच सने माँ उहदे बच्चे भी नाल उहदा इन्ना इन्ना मोह पै गया क्योंकि सब तो वड्डी गल है तुहानू रिलैक्स करते ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਥੱਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਕੰਮ ਦੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਣ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਟੇਜਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੋਗੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਥਕਾਵਟ ਲੈ ਜਾਊਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਰੱਖ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਆਈਏ ਇੱਕ ਲੈ ਆਈਏ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸ ਬਹੁਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦਾ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਵਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰ ਲੈਣ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਸ ਇਹ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਰ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਦੋ ਦੋ ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਓ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ
ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਦੋ ਦੋ ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਉਡੀਕਦਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਕਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕ ਦੇਖਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡੋਗ ਪੇਰੈਂਟ ਬਣਨਾ ਗੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਮੋੜਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਰਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨੇ ਸਭ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲੂਗਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੂਗਾ ਸੋ ਇਹ ਰਿਟਰਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ 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 ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਲਓ ਪਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰ ਅਮੈਰੀਕਨ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਢਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਇਹ ਪਿੱਟ ਬੁੱਲ ਵਾਂਗੂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਵੱਢ ਲੈਣਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ ਡੋਗਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਰਮਲ ਹਿਊਮਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਕਦੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡੋਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਵੀ ਦਈਏ ਨਾ ਡੋਗ ਨੇ ਪਲਟ ਕੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਟਜ਼ੂ ਦੇ ਵੀ ਪਪੀਜ਼ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬਰੀਡ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਝਦਾਰ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੋਕਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਰਮਨ ਸੈਫਰਡ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੈਬਰਾ ਵਗੈਰਾ ਪਰ ਇਹ ਰੱਖਣੇ ਵੀ ਸੌਖੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬਹੁਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੋਗ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਡੋਗ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਚੌਂਚੌ ਨਸਲ ਦਾ ਚੌਂਚੌ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਂਚੌ ਬੁਲ ਡੋਗ ਰੱਖਿਆ ਸਮਾਰਟੈਸਟ ਬ੍ਰੀਡ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੌਂਚੌ ਨੂੰ ਨਾ ਵਰਲਡ ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋ ਅਭੀ ਆਪ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਯਹਾਂ ਪਰ ਜੋ ਹੈ ਯੇ ਜੋ ਅਮੈਰੀਕਨ ਬੁੱਲੀ ਹੈ ਯੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾ ਸਭਸੇ ਪਹਿਲਾ ਅਮੈਰੀਕਨ ਬੁੱਲੀ ਥਾ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਜੀ ਇਹਦਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬੌਸ ਹੈ ਜੀ ਬੌਸ ਓਕੇ ਅਮੈਰੀਕਨ ਬੁੱਲੀ ਚ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਬਾਬੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਮੈਰੀਕਨ ਬੁੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਮੈਰੀਕਨ ਬੁੱਲੀ ਦਾ ਤੇ ਅਮੈਰੀਕਨ ਬੁੱਲੀ ਬ੍ਰੀਡੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਾਜੀ ਐਸੀ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਹੈਗੇ 7-8 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਵਾਓ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਪਾਈਸ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਰਿਟੇਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਾਗ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਾ ਅੱਛਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਓਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਭਾਜੀ ਆਪ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲਡ ਵੀਡੀਓ ਅਮੈਰੀਕਨ ਬੁੱਲੀ ਕੇ ਉੱਪਰ ਹਮੇ ਚਾਹੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਤੇ ਕਿ ਡਿਟੇਲਡ ਵੀਡੀਓ ਅਮੈਰੀਕਨ ਬੁੱਲੀ ਕੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਨੋਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਂਟ ਕਿ ਲੋਗੋ ਕੋ ਪਤਾ ਲਗੇ ਅਮੈਰੀਕਨ ਬੁੱਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਲਦੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ ਭਾਈ ਅਮੈਰੀਕਨ ਬੁੱਲੀ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਯਹਾਂ ਪਰ ਜੋ ਹੈ ਵੀ ਮਨਨ ਕੋ ਜੋ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਦਰ ਚੋੜਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਊਟ ਕਿਊਟ ਸੇ ਸ਼ਿਟਜ਼ੂ ਪਪੀਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਥ ਮਨ ਕੀ ਮਮਾ ਹੈ ਹੈ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਇਹ ਇਨਕੀ ਮਮਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸ਼ਿਟਜ਼ੂ ਕੇ ਪਪੀਜ਼ ਹੈ ਭਾਈ ਜਤਿਨ ਇਨਮੇ ਸੇ ਉਠਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਕੋ ਹੈਲੋ 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 ਓਏ ਹੋਏ 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 ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈਲੋ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕੀ ਬਾਤ ਭਾਜੀ ਇਹ ਜੋ ਪਪੀਜ਼ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਕੇ ਹੋਣਗੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਤੋ ਵੈਸੇ ਭਾਜੀ ਜੋ ਇਹ ਪਪੀਜ਼ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਪਪੀ ਕੋ ਘਰ ਪੇ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰੀਡਿੰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਰਾਈਟ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੀ ਪੜਤੀ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪ
छोटी है बाजी उस फीमेल से, मेल से कंपैरेटिवली, राइट।
और इसने अभी बच्चे दिए हुए हैं जो कि 3 है। भाई वो बच्चों को भी आप मतलब खुद पे रिटेन करने वाले हो क्या, कैसे? नहीं वो ही सेल भी करने। अच्छा कर दोगे? हाँ जी, तो ठीक है। मैंने आपको नंबर वैसे भी पाजी का आपको मिल ही गया है। हाँ, और अगर नहीं मिला तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है, आप इनको व्हाट्सएप पे जो है मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। नॉर्मल कॉल आप प्लीज अवॉइड कीजिए, क्योंकि पाजी को जो है पूरा टाइम जो है लग ही जाता पाजी ऐसे डॉग्स में, है ना, और कम और फोन का ध्यान ही रहता। तो आप मेक श्योर व्हाट्सएप पे टेक्स्ट इनको ड्रॉप कर सकते हैं। सो भी एक लास्ट व्लॉग आपने देखा होगा जिसके अंदर मैंने एक स्मार्ट दिखाया था और पाजी को भी मैंने उसमें इंट्रोड्यूस किया था, और साथ में था ये हमारे सुल्तान के साथ में ये प्योर सा स्मार्ट था। पाजी केड़ी कंट्री तो है ये जेड़ा रशिया तो इंपोर्ट आ ओदा ओदा बच्चा आगे बच्चा है उसका। वाओ हेलो, रशिया तो चैंपियन आ दे अपन इंडिया का चैंपियन। हां देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो। हाँ ये ना ये ब्रीड इतनी प्यारी होती है ना, कभी के तो मन करता है कि ये ब्रीड रख लो। ये मतलब मेरे को ऐसा लगता है या तो हस्की से बहुत ज़्यादा रिलेटिव है, एज एन नेचर बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं डॉग, और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तो बहुत कम ही होते हैं भाई अली ब्रीड। अरे भाई की ना अपना जगतार सिंह जी भाई कहते मैं थोड़ी वीडियो देखता सारे देखते भाई। हाँ जी, हाँ जी भाई, क्या बात है, और सारा वधिया जी? सब वधिया, थैंक यू सो मच भाई, वीडियो देखते तुम मेरी। सो विद दैट करते हैं हम आज के ब्लॉग का एंड। आई होप आपको हमारा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा, और अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है सो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।